फास्ट, जैसे जैसे आप आंसर्स बता दोगे उस तरीके से ही हमें आगे बढ़ना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा टाइप। गुड। सो डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम रहेगा। सो डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम जिस तरीके से हम लिखेंगे, पहले डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद वेरिएबल नेम, एंड उसको इनिशियलाइज अगर करना होगा आपको, मीन्स उसको आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, तो ये है आपका बेसिक जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसका फॉर्मेट, मीन्स डेटा टाइप वेरिएबल नेम एंड इक्वल टू वैल्यू। सो हम जब भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं वो एक वैल्यू लेता है, वो वैल्यू आपके मेमोरी के अंदर जाके स्टोर कर देता है। तो उसको जहां पे हम स्टोर करते हैं उसका एक एड्रेस होता है। ओके, एक स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर हम वो वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो एक डायग्राम में आप देख सकते हो मेमोरी एड्रेसेस लिखा है ऊपर, 1020, 1024, 1032। तो जो भी आप डेटा टाइप यूज करोगे उतना, जिसका डेटा टाइप का जितना साइज होगा उतने साइज की मेमोरी एक अलोकेट होगी, एंड उसको एक नेम दिया जाएगा, दैट इज अ वेरिएबल नेम। सो वेरिएबल नेम असाइन किया जाएगा, और जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे वो वैल्यू वहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर ए इज इक्वल टू 100। सो इंटीजर इज अ डेटा टाइप, देन ए इज अ वेरिएबल नेम, एंड 100 इज द वैल्यू। तो ये मेमोरी के अंदर अगर आप देखोगे तो 1024 ये मेमोरी एड्रेस के ऊपर 100 वैल्यू स्टोर हो चुकी है मेमोरी के अंदर, एंड उसको वेरिएबल नेम दिया है ए। सो ये हो गया आपका बेसिक जो हम फर्स्ट यूनिट में देखते हैं, जहां पे हमें मेमोरी सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है एंड इनिशियलाइजेशन करना है। सो उसके ऊपर अभी हमें एड्रेस के ऊपर पॉइंटर असाइन करना है। सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेल। पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से हमें पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल एंड नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में हम एड्रेस स्टोर करते हैं। ओके, सो एड्रेस के बारे में हमने अभी देखा था कि एक एड्रेस होता है, उस मेमोरी का एड्रेस के ऊपर आपकी वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। सो यहाँ पे 1024 इज अ एड्रेस एंड 100 इज अ वैल्यू, जो कि आपके इंटीजर टाइप थे के वेरिएबल की थी। सो एक पॉइंटर भी हम बना सकते हैं जिसमें ये 1024 एड्रेस हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो एड्रेस अगर आपको स्टोर करना है या पॉइंटिंग करना है किसी वेरिएबल के वैल्यू को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंटर वेरिएबल यूज करना पड़ता है। सो रेफरेंस करने के लिए, मीन्स पॉइंटिंग करने के लिए भी हम एड्रेस स्टोर करते हैं, वो उसका स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज द पॉइंटर वेरिएबल। ओके, सो कुछ टाइप है उसमें, जैसे कि आपके जो भी डेटा टाइप है उसके हिसाब से आप उसमें पॉइंटर बना सकते हो। इंटीजर टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, या यूजर डिफाइंड कोई अगर आप बनाते हो तो यूजर डिफाइंड भी आप बना सकते हो। एंड पॉइंटर टू पॉइंटर मीन्स एक पॉइंटर को हम दूसरा पॉइंटर भी असाइन कर सकते हैं, मीन्स पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस अगर आपको स्टोर करना है तो वो भी आप पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। देन पॉइंटर वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल है, हमारे नॉर्मल वेरिएबल का फॉर्मेट क्या है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम एंड इक्वल टू वैल्यू। सो पॉइंटर वेरिएबल का भी उसी तरीके का कुछ सिंटेक्स दिया है, दैट इज द टाइप मीन्स आपका डेटा टाइप, देन स्टार पॉइंटर नेम, जैसे हमारा वेरिएबल नेम होता है वैसे हम पॉइंटर नेम यहाँ पे ले सकते हैं। टाइप मीन्स आपका डेटा टाइप, जो भी इंटीजर कैरेक्टर डबल होता है वो आपका डेटा टाइप। एंड इसमें एंड नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक ही डिफरेंस है, इसमें है स्टार दिया जाता है, एस्ट्रिक साइन दिया जाता है, जो कि यूज होता है आपका पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, सो डिक्लेयर करने के लिए क्या आता है, डेटा टाइप एस्ट्रिक साइन मीन्स स्टार एंड पॉइंटर नेम। अभी वो एस्ट्रिक साइन कहाँ पे देना है, एक तो आप डेटा टाइप के पास दे सकते हो या फिर पॉइंटर नेम के साथ दे सकते हो। सो दोनों आपको यहाँ पे जो भी अप्लीकेबल है दोनों आप यूज कर सकते हो, एक तो डेटा टाइप के साथ स्टार दे सकते हो या फिर पॉइंटर वेरिएबल का जो भी नेम रहेगा उसके सामने भी आप दे सकते हो। तो ये हो गया सिंटैक्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। एंड टाइप्स कौन से हो सकते हैं, इंटीजर कैरेक्टर डबल, जैसे मैंने कहा था कि आपके डेटा टाइप से वो आप यहाँ पे ले सकते हो। देन एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इंटीजर स्टार एन, रैशनल नंबर स्टार आर, इंटीजर स्टार स्टार पी। तो सबसे पहला जो इंटीजर स्टार एन, तो वो क्या होता है आपका एक एन नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ द अनादर वेरिएबल। सो अनादर वेरिएबल कोई भी होगा, उस वेरिएबल का हम यहाँ पे एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल इंटीजर टाइप का जो भी वेरिएबल रहेगा उसका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। देन यूजर डिफाइन, अगर आपका कोई डेटा टाइप होगा जिस तरीके से यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा है,
सो स्टार आर, आर इज अ पॉइंटर वेरिएबल जिसका टाइप है रैशनल नंबर, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, एंड उसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो एज अ एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, और वो वेरिएबल का जो भी टाइप रहेगा वो भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए, मीन्स दोनों के टाइप सेम होना चाहिए तभी आप एड्रेस स्टोर कर पाओगे। देन द नेक्स्ट वन इज इंटीजर स्टार स्टार पी। स्टार स्टार पी मीन्स क्या होता है कि पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। ये स्टार पी मीन्स एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, लेकिन उसका भी अगर एड्रेस स्टोर करना है, मीन्स पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर करना है, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। ओके, इतना समझ में आया सबको? नाउ इट इज क्लियर? ओके, सो एड्रेस ऑपरेटर, अभी जो आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है उसको हमें वैल्यू असाइन करना है। ओके, तो नॉर्मल वेरिएबल का हम वैल्यू किस तरीके से असाइन करते हैं, इक्वल टू देके हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंटर वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हमें एड्रेस फाइंड आउट करना जरूरी है सबसे पहले, एंड उस एड्रेस को हमें क्या करना है, उस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना है। तो नॉर्मल वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन होता है इक्वल टू, एंड सीधा वैल्यू आप दे सकते हो जो भी टाइप का आपका वेरिएबल होगा उस टाइप का। तो यहाँ पे हम देखते हैं एड्रेस ऑपरेटर भी है, जैसे हमारा पॉइंटर ऑपरेटर था स्टार, उस तरीके से एक एड्रेस ऑपरेटर है। सो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्पर्स एंड गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो एम्पर्स एंड अगर आप लिखते हो तो वो जो भी वैल्यू, जो भी डेटा वैल्यू रहेगा, वेरिएबल रहेगा, उसका एड्रेस फाइंड आउट करेगा, एंड उस एड्रेस को हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना है। ओके, सो यूज किस तरीके से करना है उसका, एम्पर्स एंड वेरिएबल नेम। तो जो भी वेरिएबल नेम रहेगा उसका आपको उसके आगे एम्पर्स एंड अगर लिख देते हो तो वो वेरिएबल का एड्रेस आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया है मेमोरी एड्रेस के अंदर, नीचे आप एग्जाम्पल में पहले देख लेते हैं। इंटीजर ए इज इक्वल टू 100, इंटीजर टाइप का वैल्यू है वेरिएबल, एंड उस ए वेरिएबल के अंदर 100 वैल्यू स्टोर है। तो जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो मेमोरी एड्रेस का कहाँ पे दिया है, 1024 के ऊपर जाके ए स्टोर हो चुका है विथ वैल्यू 100। ओके, 100 वैल्यू के साथ वो 1024 या एड्रेस पे स्टोर हो चुका है, मीन्स इसका एड्रेस क्या है, 1024, एंड वैल्यू क्या है 100, एंड वेरिएबल नेम क्या है ए। ओके, देन सी आउट ए, ए की वैल्यू प्रिंट किया है, नॉर्मल ए की वैल्यू प्रिंट किया है, तो आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट 100, 100 प्रिंट होगा आपके आउटपुट स्टेटमेंट में। देन गेट द मेमोरी एड्रेस, अभी मेमोरी एड्रेस अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैंने कौन सा ऑपरेटर बताया था, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मीन्स एम्परसैंड। ठीक है, सो द गेट मेमोरी एड्रेस में क्या है, सी आउट एड्रेस ऑफ ए, एम्परसैंड ए मीन्स क्या है, एड्रेस ऑफ ए, तो प्रिंट क्या करेगा आपका आउटपुट में, 1024। तो दोनों इसमें डिफरेंस देख सकते हो, नॉर्मल वेरिएबल अगर आप प्रिंट करते हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, अगर आप एड्रेस ऑफ ए लिखते हो तो जो भी एड्रेस रहेगा उसका, 1024 यहाँ पे एड्रेस है, तो 1024 ये आपका प्रिंट हो जाएगा, मीन्स आपने क्या कर लिया, अभी एड्रेस भी फाइंड आउट कर लिया है जो भी वेरिएबल रहेगा। तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त हम एड्रेस असाइन नहीं करते, कहीं पे भी हम एड्रेस असाइन नहीं करते, ये एड्रेस आपके कंपाइलर के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली दिया जाता है, हमें मैन्युअली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वो यूज कर सकते हो, एंड उसका यूज करके आप एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो यहां तक समझ में आ गया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर किस तरीके से पॉइंटर किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है वो हो गया, एड्रेस किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं वो हो गया। अभी दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। सो ज्वाइन करने के लिए देखते हैं क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर एम्परसैंड, देन एक प्रोग्राम दिया है छोटा सा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, देन वॉइड मेन इंटीजर ए कॉमा बी, मीन्स ए एंड बी दो नॉर्मल वेरिएबल्स हमारे बनाए गए हैं, देन ए को 88 वैल्यू असाइन किया है एंड बी को 100 वैल्यू असाइन कर दिया गया है। सो ए की वैल्यू जो है आपकी 88, वो जाके स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, मेमोरी के अंदर, उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा। ओके, जो भी आप मेमोरी के अंदर उसे स्टोर करते हो, सो जहाँ पे आप मेमोरी के अंदर स्टोर करोगे उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा,
ये एड्रेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर के थ्रू दिया जाएगा। तो 1020 इज द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल एंड उसकी वैल्यू है 88। ओके, ये मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। देन बी इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 100, तो बी इज इक्वल टू 100 भी वैल्यू वहां पे मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है एंड उसको एड्रेस मिला है 1024। अभी दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1020, 1024, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? फोर का आ रहा है डिफरेंस। सो फोर का डिफरेंस क्यों दिखाया गया है वहां पे? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर डेटा टाइप एंड इंटीजर का साइज कितना है? 4 बाइट। सो 4 बाइट का जो साइज रहेगा आपका, उस 4 बाइट के साइज के साथ यहाँ पे 4 बाइट का मेमोरी भी अलोकेट होगा उसको। ठीक है, सो इंटीजर ए मीन्स 4 बाइट का एक मेमोरी अलोकेशन होगा जिसमें स्टार्टिंग एड्रेस उसका रहेगा 1024, सॉरी 1020, ये हो गया स्टार्टिंग एड्रेस। उसके बाद सेकेंड जो बाइट होगा उसका 1021, थर्ड बाइट जो होगा 1022, देन फोर्थ बाइट जो होगा 1023। यहां तक उसके 4 बाइट्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट एड्रेस इज 1024। ये नेक्स्ट वेरिएबल को असाइन होगा, मीन्स आपके बी वेरिएबल को। सो ये एक 88 वाला जो है वो 4 बाइट का है एंड 100 वाला भी है वो है 4 बाइट का, क्योंकि इंटीजर का साइज कितना है? 4 बाइट। तो इसी तरीके से आपके जो भी वेरिएबल्स है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे वैल्यू के साथ। एंड अभी उसका एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है। द एड्रेस ऑफ ए इज एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ सिंबल लेना है एंड उसके सामने ए वेरिएबल नेम लिख लेना है। सो जो भी एड्रेस रहेगा ए का वो प्रिंट हो जाएगा। तो रिजल्ट में आप देख सकते हो द एड्रेस ऑफ ए इज 1020, 1020 यहाँ पे प्रिंट हो गया। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एड्रेस ऑफ बी इज एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी कितना है? 1024, तो एड्रेस ऑफ बी इज 1024। इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। सबको समझ में आ गया ये? यहां तक सिंपल एग्जाम्पल है जहां पे हम सिर्फ एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का ही एग्जाम्पल है जहां पे हम एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज पॉइंटर वेरिएबल। अभी पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस असाइन करना है हमें। सो देखते हैं पॉइंटर वेरिएबल को, मीन्स पहले हमने डिक्लेयर किया था, उसके बाद हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देखा था, उसके बाद द थर्ड स्टेप इज टू मर्ज बोथ ऑफ द थिंग्स, मीन्स पॉइंटर वेरिएबल को हमें एड्रेस असाइन करना है। हमें अभी तक क्या किया था? हमने एड्रेस डायरेक्टली प्रिंट किया था, लेकिन अभी हमें क्या करना है? एड्रेस उसको असाइन करना है, मीन्स पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, जिसको एक वैल्यूज असाइन करना है। सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, सो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ए वेरिएबल स्टोर हुआ है 1024 एड्रेस के ऊपर जिसकी वैल्यू है 100। ओके, इतना तो हमें बेसिक पता ही है अभी। सो इंटीजर ए इज इक्वल टू 100, देन इंटीजर स्टार पी, स्टार पी क्या होता है आपका? पॉइंटर वेरिएबल। स्टार लगाए मीन्स क्या है आपका? पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? पी। ओके, देन स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए कितना है? फास्ट टाइप करो चार्ट बॉक्स में, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए? एड्रेस ऑफ ए इज 1024। गुड, सो 1024 इज द एड्रेस ऑफ ए, जो कि हमने असाइन किया है किसको? पी वेरिएबल को, जो कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। उसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस ऑफ दी अनादर वेरिएबल। सो अनादर वेरिएबल कौन सा है हमारा? ए वेरिएबल इज द अनादर वेरिएबल एंड द स्टार पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल जिसके अंदर हमें एड्रेस स्टोर करना है। तो पॉइंटर वेरिएबल भी रहे या नॉर्मल वेरिएबल भी रहे, जाके आपको कहाँ पे स्टोर करना है? उसको मेमोरी के अंदर ही स्टोर करना है, जो भी मेमोरी रहेगी उसके ही अंदर स्टोर करना है आपको। लेकिन जो भी आप प्लीज अगर आपको सेशंस अटेंड करना है तो 10 जो भी टाइम दिया होगा मैंने 10:05 तक का, उसमें ही आप ज्वाइन होते चाहिए। उसके बाद डिस्टर्ब हो जाता है क्लास में अगर मैं वहां पे मुझे मैसेज दिखाई देता है तो। ओके, सो आवाज नहीं, एम आई ऑडिबल टू ऑल?
वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके सो पॉइंटर वेरिएबल जिनको जिनको आवाज नहीं आ रहा है उन्होंने आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक करो एक बार, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. सो पॉइंटर वेरिएबल जहां पे हमने पॉइंटर नॉर्मल वेरिएबल स्टोर किया है उसका एक एड्रेस है, एंड पॉइंटर वेरिएबल भी एक मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है क्योंकि वो भी एक वेरिएबल है, उसको भी एक वैल्यू है. जिस तरीके से हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है उसको वैल्यू होती है, पॉइंटर वेरिएबल को भी एक वैल्यू होती है, वो भी एक वेरिएबल की तरह ही है. डिफरेंस इज ओनली नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं. सो उसको भी स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर एक जगह लगेगी, एंड वो जगह है जो आप मेमोरी के अंदर देख सकते हो. यहाँ पे बी एक वेरिएबल नेम दिया है जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, देन एक एड्रेस स्टोर किया है उसके अंदर 1024 इज द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, एंड उसके बाद 1032 इज द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल. ओके तो पॉइंटर वेरिएबल को भी एक एड्रेस रहता है जो कि मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है. तो ये बेसिक है आपका नॉर्मल वेरिएबल जिस तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर होता है उसी तरीके से आपका पॉइंटर वेरिएबल भी स्टोर होता है जो कि एड्रेस स्टोर करता है सिर्फ. ओके देन अभी यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखा है, पहले लिखा है ए, ओनली ए प्रिंट किया है, स्पेस एम्पर्स एंड ए. सो पहले रिजल्ट क्या आएगा आपका, ए की वैल्यू है 100 एंड एड्रेस ऑफ ए इज 1024, तो रिजल्ट में क्या आएगा 100 एंड 1024. देन सी आउट पी, पी की वैल्यू कितनी है 1024, तो वो प्रिंट हो जाएगा. देन एड्रेस ऑफ पी इज द 1032, तो आउटपुट में क्या आएगा 1024 एंड 1032. तो ये आपको समझ में आ गया, बेसिक है ये. वैल्यू ऑफ पॉइंटर पी इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, एंड पॉइंटर इज ऑल्सो वेरिएबल सो इट हैज इट्स ओन मेमोरी एड्रेस. तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, उसको भी एक एड्रेस रहेगा जैसे नॉर्मल वेरिएबल को होता है, एंड वो भी हम दूसरे पॉइंटर के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. उसे कहा जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर, मुझे एक पॉइंटर जो है आपका 1032 के ऊपर स्टोर है. तो ये अगर आपको एड्रेस स्टोर करना है किसी पॉइंटर वेरिएबल के तो के अंदर, तो उसको हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, वो आगे का कंसेप्ट है. यहां तक सबको समझ में आ गया, पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद हमने एड्रेस ऑपरेटर देख लिया, उसके बाद हमने पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस ऑफ अनादर वेरिएबल दे दिया है. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो सी आउट है उसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओके सो पहला जो सी आउट है वो नॉर्मल है, ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है. तो ये डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे देखिए ए लिखा है और ए के जगह पे क्या आउटपुट आ रहा है आपका, वैल्यू ऑफ दी ए मीन्स 100. ओके देन एड्रेस ऑफ ए मीन्स ऊपर एड्रेस ऑफ ए दिया है, सो 1024. तो सेकेंड वन इज पी, पी क्या है हमारा पॉइंटर वेरिएबल. ओके पी इज द पॉइंटर वेरिएबल, स्टार दिया है मीन्स क्या है वो, पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल. अभी पॉइंटर वेरिएबल को भी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है, एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे असाइन किया है एड्रेस ऑफ ए. सो पी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई है, एड्रेस ऑफ ए. पी के अंदर देखिए यहाँ पर डायग्राम में पी लिखा है, ऊपर क्या वैल्यू है आपकी 1024, तो पी की वैल्यू आ गई 1024. उसके बाद एड्रेस ऑफ पी जैसे नॉर्मल वेरिएबल को एड्रेस होता है उसी तरीके से पॉइंटर वेरिएबल को भी एड्रेस होता है. सो एड्रेस ऑफ पी इज 1032. ओके तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, एड्रेस ऑफ पी इज 1032. अभी समझ में आ गया, नॉर्मल पी की वैल्यू है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एंड एम्परसैंड पी मीन्स एड्रेस ऑफ पी मीन्स 1032. ओके क्लियर. द नेक्स्ट वन इज पॉइंटर टू पॉइंटर, जैसे मैंने कहा था कि एक पॉइंटर को भी एक एड्रेस होता है, सो उसे अगर हमें स्टोर करना है कहीं तो भी, तो उसके लिए पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल लगेगा. ओके सो यहाँ पे देख सकते हैं लोकल डिक्लेरेशन कहाँ पे दिया है, लोकल डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, इंटीजर ए नॉर्मल वेरिएबल, इंटीजर स्टार पी, स्टार पी मीन्स पॉइंटर वेरिएबल जो कि एड्रेस स्टोर करेगा किसी दूसरे वेरिएबल का. देन इंटीजर स्टार स्टार क्यू, डबल स्टार दिया है मीन्स पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, एंड ये क्यू क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा. ओके ये क्यू
जो नॉर्मल ए है, देन एक पी है, स्टार पी मीन्स वो पॉइंटर वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल का जो भी आपका एड्रेस रहेगा उसको स्टोर करेगा, एंड स्टार स्टार क्यू मीन्स पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, एक दूसरा पॉइंटर है जैसे पी पॉइंटर है उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए ये क्यू लिया है। सो एक डायग्राम दिखाई दिया है, वहां पे देखिए ए उसकी वैल्यू है 58 असाइन किया है, नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए उसके हिसाब से ए इज इक्वल टू 58। सो 58 यहाँ पे स्टोर हो चुका है पहले ब्लॉक के अंदर, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एंड वेरिएबल नेम है उसका ए। सो ए के अंदर 58 एंड उसका एक बाय डिफॉल्ट एड्रेस है 2345 60, ये है उसका बाय डिफॉल्ट एड्रेस। सो ये एड्रेस पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए किया है अभी, पी की वेरिएबल कौन सा है आपका पॉइंटर वेरिएबल, सो उसमें एड्रेस स्टोर करेंगे हम। सो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए इज 2345 60, ये स्टोर हुआ है कहाँ पे आपके अनादर वेरिएबल में, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो कि नाम है उसका पी, पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल है। सो इसके अंदर क्या स्टोर होगा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए इज 2345 60, यहाँ पे स्टोर हो गया 2345 60, ये वैल्यू पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। लेकिन उस पॉइंटर वेरिएबल का भी एक क्या है एड्रेस है जो कि 2876 50, ये है आपके पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। ओके, देन क्यू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी, क्यू क्या है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल जो कि पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। सो क्यू के अंदर क्या स्टोर होगा ये पी का जो एड्रेस है वो, पी का एड्रेस है 2876 50, सो क्यू के अंदर वैल्यू क्या आ गई 2876 50 स्टोर हो चुकी है, उसका भी एक एड्रेस है 2878 70, जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो पॉइंटर टाइप के रहे या फिर नॉर्मल वेरिएबल्स रहे, हर एक वेरिएबल जाके मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि वो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन के ऊपर पर्टिकुलर जाके स्टोर हो रहा है, उसका एक एड्रेस होना कंपलसरी है। ठीक है, देन सी आउट ए, ए प्रिंट हुआ तो क्या होगा आउटपुट में आएगा सीधी सीधी उसकी वैल्यू कितनी है 58। देन सी आउट स्टार पी, स्टार पी मीन्स क्या होता है आउटपुट बताइए फास्ट, व्हाट इज द आउटपुट, स्टार पी मीन्स पॉइंटर पी। ओके 58 58 58, पहला ए का तो 58 आएगा, स्टार पी का कितना आएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टार पी एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टार स्टार क्यू, टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो एंड 2876 50, बिकॉज वी हैव स्टोर हंस क्या बोल रहे हैं एड्रेस ऑफ ए। ओके 58 58 58 58 58, सो यहाँ पे आउटपुट व्हाट इज आउटपुट भी लिखा है पर क्वेश्चन मार्क दिया है उसके सामने, देखिए 58 58 58 लिखा है। अभी 58 58 58 लिखा है मीन्स इसका आउटपुट भी क्या आएगा 58 58 58 ही आएगा, बट क्यों आएगा ये देखते हैं। सो सी आउट ए इज इक्वल टू 58 वैल्यू हमने ऑलरेडी असाइन किया है, तो सी आउट ए इज इक्वल टू 58 तो आपका आउटपुट आएगा ही पहला। दूसरा आउटपुट क्या आएगा स्टार पी, सो पी वेरिएबल मीन्स आपका पॉइंटर वेरिएबल है उसको लिखा है स्टार पी, स्टार पी मीन्स वैल्यू ऑफ द एड्रेस विच इज स्टोर इन टू दी पी। ओके सो पी के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर होगा उसकी जो वैल्यू होगी मीन्स उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आनी चाहिए। सो पी के अंदर क्या एड्रेस है 2345 60, इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, स्टार मीन्स क्या है यहाँ पे वैल्यू, सो उस वैल्यू के ऊपर चले जाएंगे हम, कितनी वैल्यू है वो 58 मीन्स सेकंड भी 58 आएगा। देन स्टार स्टार क्यू, क्यू के अंदर क्या वैल्यू है एक एड्रेस है 2876 50, सो स्टार क्यू मीन्स उस एड्रेस के ऊपर एक वैल्यू है, उस एड्रेस के ऊपर मीन्स ये बीच में एड्रेस है उसके ऊपर एक वैल्यू है,
उसके भी ऊपर जो भी वैल्यू होगी, मीन्स इस एड्रेस के ऊपर भी जो वैल्यू होगी वो, इसीलिए वहां पे दिया है 58। ओके, सो इसे कहा जाता है डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। डी रेफरेंसिंग मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको एड्रेस के ऊपर की वैल्यू। ओके, एक रेफरेंस दिया है, उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, सो उसे कहा जाता है डी रेफरेंसिंग। तो ये सबको 58 58 समझ में आ गया? तो ये है आपका डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर स्टार। ओके, सो जहां तक हमने अभी देखा था कि स्टार हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ओके, डिक्लेयर करने के लिए, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम स्टार यूज कर रहे थे, लेकिन अभी उसका दूसरा यूज भी आ गया है यहाँ पे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर करके भी उसे यूज किया जाता है। मीन्स उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए स्टार आप लिख सकते हो। सो कंफ्यूज मत होना, आप वेरिएबल जो भी पॉइंटर वेरिएबल है उसको डिजाइन करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए भी आपको स्टार यूज कर सकते हो आप, एंड उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, स्टार यूज कर सकते हो, जिसे कहा जाता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। वी कैन एक्सेस टू द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय यूजिंग द डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। जो भी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होगा उसका यूज करके आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो, उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो जिसके अंदर एक एड्रेस दिया है, एक एड्रेस के ऊपर की जो वैल्यू है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो एक नीचे एग्जाम्पल दिया है छोटा सा, इंटीजर ए इज इक्वल टू 100, जो कि नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन है जिसकी वैल्यू है 100। सो वो जाके स्टोर हो चुका है 1024 के ऊपर। देन इंटीजर स्टार पी मीन्स आपका पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है एड्रेस ऑफ दी ए। ये अभी तक हमने रिपीटेडली देखा था, तो 1024 इज द एड्रेस एंड इट इज स्टोर इन टू दी पी वेरिएबल। ओके, देन प्रिंट मीन्स सी आउट ए एंड एंड एल। सो सी आउट ए मीन्स ए की वैल्यू कितनी है, 100, सो 100 प्रिंट हो जाएगा। देन सी आउट एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए इज 1024, 1024 प्रिंट हो जाएगा। देन सी आउट पी, वैल्यू ऑफ द पी इज 1024, तो अगेन 1024 प्रिंट हो जाएगा। स्पेस स्टार पी, स्टार पी मीन्स वैल्यू ऑफ द एड्रेस स्टोर इन टू द पी। पी के अंदर जो भी एड्रेस रहेगा, इस पी के अंदर जो एड्रेस है 1024, स्टार मीन्स वहां की वैल्यू। सो 1024 कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है 1024, इसके अंदर की वैल्यू क्या है, 100। सो आउटपुट में क्या आएगा आपका, 100 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया आपको, पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, आपका स्टार ऑपरेटर यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने यूज किया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार पी, एंड एक यहाँ पे देख सकते हो स्टार पी। सो ये पहला वाला जो स्टार पी है वो एड्रेस स्टोर करने के लिए, मीन्स पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, एंड ये जो स्टार पी है वो है आपका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो एड्रेस होगा उसके ऊपर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे ये लाइन देख सकते हो आप, सबसे पहले क्या लिखा है, पी मीन्स पी के अंदर की वैल्यू 1024, एंड नेक्स्ट वन इज स्टार पी, स्टार पी मीन्स इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू। सो इस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है, 100, सो 100 इज द ये आउटपुट। देन लास्ट में सी आउट एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी इज 1032, नॉर्मल है ये 1032 हमारा एड्रेस फाइंड आउट हो गया, 1032 इज द आउटपुट। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? सो ये हो गया आपका नॉर्मल पॉइंटर डिक्लेरेशन। उसके बाद जो कि हमने क्या किया है उसमें, सबको समझ में आ गया है? दो तीन ही लोग यस सर बोल रहे हैं, बाकी लोगों का क्या है?
ओके सो उसके आगे चलते हम, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज क्यों बोला है? हाँ देखिए पढ़िए फास्ट, उन्होंने बोला है कि कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप? जहां पे हमने स्टार का यूज किया है। सो पहले हमने स्टार का यूज किया था पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, एंड द अदर यूज ऑफ स्टार इज टू डी रेफरेंसिंग दी पॉइंटर वेरिएबल। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का जो यूज है वो डिफरेंट है। एक तो आपका स्टार जो यूज होता है डिक्लेरेशन के लिए भी पॉइंटर वेरिएबल के, एंड स्टार यूज होता है आपका पॉइंटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इंटीजर ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 88, सी इज इक्वल टू 8, एंड इंटीजर स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए स्टार क्यू स्टार पी टू सॉरी पी वन इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, पी टू इज इक्वल टू एड्रेस सॉरी स्टार पी टू एंड स्टार पी थ्री इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी। मीन्स यहाँ पे क्या किया है, पी वन जो है उसको ए का एड्रेस असाइन किया है, पी टू जो है इसको कुछ भी नहीं दिया है, अभी तक वैल्यू ही पास नहीं किया है, एंड पी थ्री जो वेरिएबल है जो कि सभी तीनों पॉइंटर वेरिएबल्स है, तो इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, सी का एड्रेस पी थ्री को दिया है, पी वन को ए का एड्रेस, पी थ्री को सी का एड्रेस, पी टू को कुछ भी नहीं। सो पी टू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, अभी यहाँ पे दिया है पी टू को एड्रेस ऑफ बी, मीन्स पी वन को एड्रेस ऑफ ए, पी टू को एड्रेस ऑफ बी, पी थ्री को एड्रेस ऑफ सी, तीनों का साइन हो चुका है। देन पी टू इज इक्वल टू पी वन, पी टू की वैल्यू कितनी है? फास्ट टाइप योर वैल्यूज, पी टू का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टू? 88, 88, 88। एवरीवन टाइप योर आंसर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टू? नो मेमोरी एड्रेस ऑफ बी, समवन सेज 8, समवन सेज 88। ऋतुजा को छोड़ के बाकी सब लोग गधे, सब लोग गधे, सब 88, 88, 88 बोल रहे हैं। अरे पी टू इज अ पॉइंटर वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल, सो एड्रेस होना चाहिए ना वहां पे, भले ही यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया होगा लेकिन आपको आपका जो आंसर है वो आना चाहिए कि एड्रेस ऑफ दी बी वेरिएबल। मेमोरी एड्रेस नहीं दिया है लेकिन आप ये बोल सकते थे ना कि बी का एड्रेस जो भी होगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ दी बी, हाँ जो बी का एड्रेस रहेगा वो पी टू के अंदर स्टोर है अभी, वो कुछ भी रहे वो हमें नहीं पता, वो कंपाइलर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देगा, वो हमारा काम नहीं है। सो जो भी बी का एड्रेस रहेगा वो पी टू के अंदर स्टोर है, क्योंकि हमने पी टू इज इक्वल टू क्या किया था, एड्रेस ऑफ दी बी, एड्रेस ऑफ बी हमें पता नहीं है लेकिन कुछ तो भी होगा उसका, 1024, 1023 कुछ भी हो सकता है एड्रेस, तो जो भी एड्रेस रहेगा वो किसके अंदर आया है अभी, पी टू के अंदर। सो पी टू का जो वेरिएबल एड्रेस है मीन्स बी का जो एड्रेस है वो पी टू के अंदर स्टोर है। देन पी वन की वैल्यू क्या होगी अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी वन? टाइप योर आंसर फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी वन? एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ए,
एड्रेस ऑफ ए साक्षी सेज 100, सर पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, सो वी गेट एड्रेस ऑफ ए। ओके, सो P1 के अंदर क्या असाइन किया था हमने, एड्रेस ऑफ ए। सो P1 की वैल्यू क्या हो गई, एड्रेस ऑफ ए। P2 की वैल्यू है हमारी एड्रेस ऑफ बी। ओके, एड्रेस ऑफ बी को असाइन किया है हमने एड्रेस ऑफ ए। P2 इज इक्वल टू P1। P1 की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, अभी P2 के अंदर। मीन्स P1 का वैल्यू है एड्रेस ऑफ ए, जो कि अभी स्टोर हो चुकी है P2 के अंदर। मीन्स P2 के अंदर भी अभी क्या है, एड्रेस ऑफ दी ए वेरिएबल। दोनों के अंदर अभी एड्रेस ऑफ दी ए वेरिएबल है, P1 के अंदर भी एंड P2 के अंदर भी। देन B इज इक्वल टू स्टार P3। B एक वेरिएबल लिया है, नॉर्मल वेरिएबल, जो कि हमारा पहले उसकी वैल्यू कितनी थी B की, 88। ओके, एंड उसको असाइन किया है हमने स्टार P3। स्टार P3 की वैल्यू कितनी है, टाइप योर आंसर फास्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार P3? क्या साइन किया है हमने स्टार P3 को? क्या अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज है, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि एड्रेस ऑफ सी। अरे P3 के अंदर एड्रेस ऑफ C3 है, लेकिन स्टार P3 के अंदर क्या है, स्टार P3 के अंदर, P3 के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, स्टार मीन्स वैल्यू ऑफ P3। P3 के अंदर एड्रेस किसका है, C का, एंड C का वैल्यू कितना है, 8। सो 8 वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगा अभी, B के अंदर। सो B की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 8, जो कि पहले कितनी थी, 88। ओके, सो B की वैल्यू हो गई अभी 8। देन स्टार P2 इज इक्वल टू स्टार P3। अभी P2 की वैल्यू कितनी है, स्टार P2 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार P2? P2 के अंदर एड्रेस किसका है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार P2? नो, रॉन्ग। P2 के अंदर हमने क्या असाइन किया था, एड्रेस ऑफ P1। मीन्स P1 का जो भी, सॉरी, P1 के अंदर की वैल्यू जो भी होगी वो हमने असाइन किया था P2 के अंदर। P1 के अंदर थी हमारी वैल्यू A का एड्रेस, तो A का एड्रेस हमने असाइन किया P2 को। मीन्स P2 अभी बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, A को। सो A की वैल्यू कितनी है, 100। सो 100 को हमने रिप्लेस करना है स्टार P3 से। P3 की वैल्यू कितनी है, 8। ओके, सो अभी असाइन C2A, मीन्स C की वैल्यू कितनी है, 8। असाइन किसको करना है, P2 को, मीन्स A को। सो A को वैल्यू कितनी है, 100 रिप्लेस हो जाएगी बाय 8। 100 के जगह पे 8 आ जाएगा। मीन्स A की भी वैल्यू 8, B की भी वैल्यू 8 हो चुकी है, C की भी वैल्यू 8 हो चुकी है। तीनों की वैल्यूज 8 8 8 हुआ है। देन सी आउट A B C, व्हाट इज द आउटपुट। AAA। ओके, तो सबको समझ में आ गया, अभी अटेंडेंस लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। सो आउटपुट इज 888। जो 888 आउटपुट है आपका वो आएगा A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 8 एंड C की वैल्यू 8। जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो प्रोग्राम दिया है। सो सब लोग ये प्रोग्राम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है क्रिएट, कि ये एड्रेस है, वो वैल्यू है, वो फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है। एक का एड्रेस दूसरे को असाइन कर दिया है, मीन्स वो दूसरे को पॉइंट आउट कर रहा है। सो ये कंफ्यूज होना नहीं है इसमें, इसीलिए ऊपर हेडिंग भी दिया है, डोंट गेट कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये रहा आपका पॉइंटर का बेसिक जो है वो। अटेंडेंस लिस्ट मैंने, अटेंडेंस लिंक मैंने सेंड कर दिया चैट बॉक्स में। एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस। ओके,